वेलकम टू cinespeaks.com दिव्या जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, ब्लैकमेल हिट हो रही है एंड आपका रोल बहुत पसंद किया जा रहा है, कुछ अपने रोल के बारे में एक बार ऑडियंसेस को बताइए। ये बिल्कुल एक अलग रोल रहा मेरे लिए, जो भी फिल्म देख रहे हैं वो सबको ऐसा लग रहा है कि दिव्या इज इन डिफरेंट लाइट और तो एक अल्कोहलिक औरत है और डोमिनेटिंग है, थोड़ी सी विम्सिकल है और मूडी है और एक क्रेजी सी कॉमेडी है और उसमें सबकी एक सिचुएशन है जो बहुत सीरियस सिचुएशन है और उसमें कैसे सबको सब अपनी अपनी सिचुएशंस में फंसे हैं लेकिन वो सिचुएशन बहुत फनी लगती है। सो आई प्ले डॉली एंड डॉली इज़ रियली रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव। बहुत अच्छा लगता है जब बच्ची साहब या नसीर साहब या शबाना जी जैसे लोग आपको पर्सनली मैसेज करते हैं कि दे लाइक योर वर्क। So for me that's great and the kind of love I'm receiving for this role is awesome. So अभिनय ने क्यों मुझे इस फिल्म के लिए लिया, मैं बहुत हैरान हुई थी कि क्यों मुझे ये रोल दिया, लेकिन आई एम ग्लैड बिकॉज जब कोई डायरेक्टर आपको अलग तरह से देखता है और वो रोल देता है जिसमें आप पहले परफॉर्म नहीं कर चुके हैं, सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। उनकी डायरेक्शन के अंदर काम करना कैसा लगा आपको अभिनय? वही मैं बता रही हूँ कि जब कोई, आई थिंक दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक जो एग्जाम्पल सेट करते हैं एक जो एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं और अभिनय डेफिनेटली एग्जाम्पल सेट करते हैं। आपको आपकी यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हर्ड मेंटालिटी बहुत जल्दी होती है, आपको किसी हिट फिल्म में देख लिया जाए, एक अच्छे रोल में देख लिया जाए तो सब आपको उसी तरह से कास्ट करना चाहते हैं एंड देन कम अ फ्यू डायरेक्टर्स जो कहते हैं कि नहीं हम इसको अलग तरह से देखते हैं और अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे। सो अभिनय वॉज सच और मज़ा ये आता था कि मैं एक सीन को इस तरह से देखती थी, उससे नहीं ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वी डू इट दिस वे। सो अनलर्निंग थी मेरे लिए काफ़ी, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। जब आपको मालूम होता है कि आपका डायरेक्टर इतना क्लियर है विद व्हाट ही वांट्स, देन इट्स अ जॉय राइड फॉर यू। सो आई रियली हैड अ ब्लास्ट बीइंग डायरेक्टर बाय अरुणोदय सिंह के साथ काम करने के साथ। अरुणोदय मुझे लगता है इंडस्ट्री के सबसे स्वीटेस्ट लड़कों में से हैं, बहुत वेल मैनर्ड हैं और उनका शायद पोइट्री भी लिखते हैं जो शायद इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, तो बड़ी अलग अलग साइड्स हैं उनकी, वेरी वेल मैनर्ड, वेरी कल्चर्ड और एक कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, जो समझ आ जाए तो आप यू विल रियली एंजॉय बीइंग विद हिम। सो मेरे तो सारे सीन्स अरुणोदय के साथ ही हैं, सो इट्स बीन ग्रेट जस्ट नोइंग हिम जस्ट एंड ही इज़ अ वेरी सिंसियर एक्टर, तो मज़ा आया उनके साथ काम करके। दिव्या जी, आपकी जर्नी आपके फिल्मों के बारे में हमें तो वैसे ही पता है, बट हम आपकी ज़ुबानी एक बार जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे आपने यू नो अपना नाम एक बना चुकी हैं आप, तो कैसे हुआ ये? ऐसे हर एक की अपनी एक जर्नी होती है और बचपन से मैं एक्चुअली डॉक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे हमेशा ये था कि मुझे एक्टिंग करनी है और ये नहीं पता था कैसे करनी है, तो पंजाब से यहाँ एक कंपटीशन में सिलेक्ट हुई थी स्टारडस्ट के कंपटीशन, दैट्स हाउ आई केम हियर। लेकिन उसके बाद एक ट्रायल एंड एरर लर्निंग रही, क्योंकि जब आपके कोई गॉडफादर्स नहीं होते तो आपको खुद बखुद देखना होता है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, और फिर मैंने मल्टी स्टारर्स की खूब सारी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक स्वीट एक्ट्रेस जो गाने गाती है डांस करती है एक मल्टी स्टारर में, वो नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो फिर मैं रुकी थोड़ा और फिर मेरी हिस्से में ट्रेन टू पाकिस्तान आई, शहीद मोहब्बत आई और ये फिल्में बहुत चर्चित हुई और फिर मुझे अलग तरह की फिल्में मिलने लगीं, जैसे वीर ज़ारा थी, जैसे शाम बेनेगल की फिल्में थी, तो अलग एक पहचान बनी। उसके बाद मैंने इंटरेस्टिंग रोल्स लेने शुरू किए और अब जाके इतने साल के बाद वापस से इट्स बिकम लाइक प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट अगेन। आई मीन फॉर मी इट डजंट रियली कंसर्न और बॉदर मी मच कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन रोल सबसे बेस्ट होना चाहिए वो जो भी हो, लेकिन अब बाय चांस मुझे प्रोटैगनिस्ट के रोल्स, जो लीड रोल्स कहते हैं, वो बहुत सारे एक साथ आए हैं, हमने अपने हीरोज़ को रोमांस कर रही हूँ। सो आई एम डूइंग ऑल दैट दैट आई नीडेड टू डू इन माय 20s नाउ, व्हिच फील्स रियली ग्रेट, इंटरेस्टिंग करियर रहा। मुझे लगता है ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान करता है जब आप बहुत कुछ शिद्दत से करते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो ऑडियंस के दिमाग में वो आइकॉनिक रोल्स और वो आइकॉनिक फिल्म्स आ जाती हैं जो आपने की हैं और अपनी पहचान बनाई है आपने उन फिल्मों से, तो आपका प्रोसेस क्या होता है इस रोल सेलेक्ट करने का? थैंक यू यासर, तो आपकी हिंदी बहुत वाकई अच्छी है आप, सीरियसली मेरा प्रोसेस होता है कि मैं गट से जाती हूँ, गट फीलिंग से। जब मैं किसी से स्क्रिप्ट सुनती हूँ तो मैं 15-20 दिन नहीं लेती कि मैं पढ़ूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी,
मैं जब कहानी सुनती हूँ फिर मैं रोल सुनती हूँ और मुझे तभी लगता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, और मैं इंस्टेंटली बोल देती हूँ अगर करना है तो मैं उस पर बात अच्छी तरह से खूबसूरती से काम करती हूँ रोल पर, नहीं करना तो मैं इंस्टेंट मना करती हूँ। और काफ़ी लोगों के बात हज़म नहीं होती बिकॉज मेरे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जो काफ़ी लटका देते हैं कि बताएंगे डेट इश्यूज़ हैं अभी पढ़ा नहीं, सो दो दो महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, सो दे समटाइम्स फील वेरी सरप्राइज्ड कि आपने फटाफट से जवाब दे दिया। सो या इट्स अ गट फील फॉर मी, और जो मन से दिल करे करने के लिए वो करना चाहिए। जैसे आपने बताया बहुत सारी मल्टी स्टार फिल्मों में आपने काम किया है, तो उन फिल्मों में आपका रोल सिलेक्शन क्या प्रोसेस होता है उसमें? तब तो बाबा कोई मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, आप जिनकी बात करें तब तो मुझे था कि अरे इस पिक्चर में सलमान खान है, अरे इस पिक्चर में नाना पाटेकर है, चलो चलो कर लो। तो उसमें थोड़ी मुझे कोई चॉइस मिलती थी कि आपके रोल में इतना दम है, वो तो बाद में धीरे धीरे अपने पे काम करके कुछ चॉइसेस ऐसी बना के वो जगह बनी मेरी धीरे धीरे, लेकिन दैट टाइम आई वाज अ रेगुलर हीरोइन हु वाज इन मल्टी स्टार्स। विमेन इन बॉलीवुड, तो औरतों के लिए यूरो बहुत सारी चेंजेस हो गए, रोल्स अलग तरीके से लिखे जा रहे हैं। आपने शुरुआत की थी 1994 में, तब से लेके अब तक में क्या फ़र्क महसूस किया है? मुझे लगता है कि औरतों के लिए रोल्स 1950s से बहुत अच्छे अच्छे थे। अगर आप पुरानी जितनी हमारी दिग्गज एक्ट्रेसेस रही हैं, चाहे नरगिस जी हों, मधुबाला जी हों, मीना कुमारी जी हों, नूतन जी हों, वो सब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स थे, उनके लिए खास वो फिल्में लिखी जाती थी, रोल्स लिखे जाते थे। उसके बाद जब हेमा जी आई, रेखा जी आई, जया जी आई, ऑल दीज एक्ट्रेसेस दे हैड रोल्स रिटन फॉर देम, एंड देन यू हैड श्रीदेवी, देन यू हैड माधुरी दीक्षित। सो ऐसा नहीं रहा कि हमारे यहाँ पर अभी कुछ नया शुरू हुआ है, फेजेस आते रहे हैं, फिल्में आती रही हैं, उस मुताबिक चीज़ें चेंज होती रही हैं। अब ये फ़र्क आया है कि कहानियों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है डायरेक्टर्स भी, तो जो एक्टर्स हैं वो भी कैरेक्टर्स निभा रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक हीरो है जो सिर्फ लार्जर देन लाइफ चीज़ें कर रहा है, अब वो भी एक किरदार निभाता है जो लोगों को रिलेटेबल लगता है। सो द स्टोरीज बिकम द किंग, द डायरेक्टर्स आर टेकिंग चांसेस, और एक्टर्स के लिए, मेरे जैसे एक्टर्स के लिए बहुत सारी वैरायटी है करने के लिए, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट करने को ऑडियंस अलाउ करती है। सो आई थिंक ओवर द इयर्स द ऑडियंस हैज चेंज्ड अ लॉट। आपकी सबसे मेमोरेबल फिल्म या रोल क्या है? मेरा अपना कि किसी और का? आपका ऑब्वियसली। मेरा अपना, आई हैव एंजॉयड दिल्ली 6 वेरी मच, मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि वो रोल मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कोई और ही है बिल्कुल, और उसमें बहुत सारे एक्टर्स ने मेरी मदद की थी, दिल्ली की भाषा, दिल्ली का बॉडी लैंग्वेज, कुछ गालियाँ वो सब, और इतना कमाल का क्रू था, वहीदा जी, ऋषि कपूर, अभिषेक, सोनम, ओम पुरी, ऑल दीज पीपल, आई थिंक इट वाज अ फैब एक्सपीरियंस डूइंग दैट, और उस फिल्म के लिए मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। जैसे आपने कहा कि यू नो डायरेक्टर्स हैव बिकम द हीरोज रादर देन द एक्टर्स, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी फिल्में आई हैं जो सुपरस्टार्स के साथ थी बट चली नहीं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है, स्टोरी हैज़ बिकम द किंग। सो हाउ प्राउड आर यू एज एन एक्टर और एज अ परफॉर्मर इन द हु इज़ इन द इंडस्ट्री? वेल, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दीस काइंड ऑफ थिंग्स, दीस चेंजेस आर कमिंग, एंड जो ये एक चेंज सब में आया है कि कहानी को ज़्यादा वो करें, और डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि चलो हम रन ऑफ द मिल नहीं करेंगे, हम एक फॉर्मूला नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करके दिखाते हैं, और ऑडियंस ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा ये कुछ अलग बनाए, ये दिखाओ हमें। सो ये तीनों का एक मिश्रण है अच्छा सा, खूबसूरत सा, और उसमें जब आप एक हिस्सा बनते हो बतौर एक्टर, तो मुझे ये खुशी होती है कि मुझे अलग अलग रोल्स करने को मिल रहे हैं। सो फॉर मी आई एम लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर, जिसको बहुत सारी चॉइसेस मिली हैं कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। सो आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद सम ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री, आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट, और मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है, सो आई वुड से रादर ग्रेटफुल एंड नॉट, सो या आई थिंक दैट्स द फीलिंग। आपने यू नो आपकी बहुत सारी अपकमिंग फिल्म्स हैं माशाल्लाह, तो उनके बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह यासिर, मेरी फिल्म्स अभी आएंगी, फन्ने खान आएगी जो जिसमें अनिल कपूर के साथ हूँ, फिर एक फिल्म आएगी जिसका टाइटल नहीं है अभी, इट्स अ थ्रिलर, अरशद वारसी और जूही चावला के साथ है, फिर एक फिल्म है नास्तिक जो अर्जुन रामपाल के साथ,
फिर मंटो है नवाज के साथ, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है. अभी अनुभव सिन्हा की एक फिल्म की शूट कर रही हूँ जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिसमें मुझे लगता है सारे दिग्गज कलाकार जो इंडस्ट्री के हैं हम सब एक साथ हैं. सो इट फील्स लाइक वेरी डिफरेंट. मलाला का मैंने अभी एक बायोपिक ख़त्म किया. फिर एक फिल्म है म्यूज़िक टीचर जो मानव पॉल के साथ है. फिर एक बहुत ही सुंदर फिल्म है राम सिंह चौधरी. सो देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म्स कमिंग आई थिंक बाय द मिड दिस ईयर. आई विल हैव अबाउट 8 रिलीजेस. बॉक्स ऑफिस आपके लिए मैटर करता है? मैं बहुत नलूराम होंगी अगर कहूँगी कि नहीं करता, बिकॉज जब आपकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं. आज मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ तो मैसेजेस आते हैं हर किसी के कि हमने आपकी फिल्म देखी. इट फील्स गुड कि बहुत सारे लोग आपकी फिल्म देख रहे हैं. जितने लोग फिल्म देखेंगे उतना आपका काम देखा जाएगा. सो ऑफ कोर्स इट फील्स नाइस. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और कोई फिल्म ही ना देखे तो उसका क्या फ़ायदा है. सो आई डोंट डिपेंड ऑन द नंबर्स, बट इट फील्स ग्रेट दैट अ फिल्म इज़ डूइंग वेल. मुंबई में कई सारे लोग एक सपना लेके आते हैं एक्टर बनने का, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ सपना ही लेकर आए हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है तो उसे आप वहीं के वहीं छोड़ दें, बिकॉज़ ये जगह आसान नहीं है. लेकिन अगर आपको वाकई लगता है आपके अंदर एक बात है, आपके अंदर जुनून है उसे आगे लेकर जाने का, आपके अंदर पेशेंस है. मैं कहती हूँ हमेशा 3 P's होते हैं, पेशेंस, परसिवियरेंस एंड पैशन. अगर ये 3 P's हैं आपके पास तो आपको ज़रूर इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, इससे कोई बेहतर जगह नहीं मिलेगी. लेकिन सिर्फ ग्लैमर पोर्शन के लिए अगर आए हैं तो फिर गलत जगह है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.